हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रिवर्स हॉर्न। ठीक है, रिवर्स हॉर्न लगाने के लिए जो सिस्टम है उसके बारे में, वो जो वायरिंग कैसे उसको किया जाता है वो हम जानेंगे। एकदम आसान तरीका है कि रिवर्स हॉर्न, अगर हम टीटी हॉर्न लगाते हैं रिवर्स हॉर्न के लिए, जैसे बैक गियर लगाने पर हॉर्न बजे, ठीक है, टी 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 जो आवाज़ करता है हॉर्न रिवर्स गियर लगाने पर, उसका वायरिंग कैसे करते हैं, एकदम आसान तरीका है, उसी को आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें एक थ्री पिन का फ्लासर लगेगा, ठीक है, थ्री पिन का फ्लासर। और फ्लासर में देखिएगा तो एक पिन पे लिखा होगा बी, एक पिन पे होगा एल और एक पिन पे होगा ई, ठीक है, ये लिखा होता है फ्लासर में, ठीक है। और इसके लिए, ठीक है, और एक हॉर्न यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ये हो गया हमारा हॉर्न, ओके। इसमें होगा दो पिन, एक ग्राउंड लगेगा और एक ये जो फ्लासर से जा रहा है पॉजिटिव बन करके, ठीक है, एक वो लगता है, ओके। तो फ्रेंड्स, इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि बैक गियर हॉर्न पे एक वीडियो अपलोड कीजिए, टीटी हॉर्न हम कैसे सेट करें फ्लासर के साथ, उसका वायरिंग बताइए, ठीक है। तो सोचा कि मैं आज एक वीडियो बना देता हूँ उस पर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है गाड़ी में, ये टाटा के जो गाड़ी होता है उसमें रिवर्स और जो ब्रेक का लाइट होता है वो दोनों का एक ही फ्यूज होता है, उस पर लिखा होता है आर ई वी आर एस टी ओ पी, लिखा होता है री वे स्टॉप, ठीक है। वो फ्यूज निकल जाने से ब्रेक लाइट भी नहीं जलता है और रिवर्स गियर का जो लाइट होता है वो भी नहीं जलता है। तो ये होता है रिवर्स और स्टॉप लाइट का फ्यूज। इसमें क्या करता है, जैसे ये हो गया वो फ्यूज, ओके। तो इसमें क्या करेगा कि इग्निशन स्विच का जो पॉजिटिव है, यानी जो चाबी ऑन करने के बाद से मेन आ रहा है, वो दे देगा फ्यूज के एक तरफ, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा इग्निशन स्विच का पॉजिटिव, ओके, ये हो गया इग्निशन स्विच का पॉजिटिव, ये आया फ्यूज में इनपुट, ओके। और फ्यूज से जो आउटपुट निकल रहा है ये इसमें से दो तार हो जाएगा, ठीक है, एक चला जाएगा ब्रेक का जो स्विच होता है, ब्रेक स्विच उसमें चला जाएगा, और एक हो जाएगा रिवर्स गियर का जो स्विच होता है उसमें। दोनों जगह येलो कलर का वायर जाता है और येलो कलर का वायर टाटा मोटर में इग्निशन स्विच का पॉजिटिव होता है, ओके। और देखिए ये जो हमारा आ गया, देखिए ये हो गया एक छोटा सा कनेक्टर, ओके, ये हो गया हमारा एक कनेक्टर, एक ये हो गया कनेक्टर, ओके, ये हो गया ब्रेक का, ये हो गया रिवर्स लाइट का, मतलब रिवर्स गियर में चला जा रहा है। तो ये चला गया रिवर्स गियर में, ओके, और एक और वायर आता है ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक कपलर रिवर्स गियर का, ये लग गया रिवर्स गियर में। जैसे ही रिवर्स गियर आप लगाइएगा तो ये जो है मेन जो वायर है इग्निशन स्विच का वो आ जाएगा इसमें और ये चला जाता है डायरेक्ट लाइट में, ओके। तो ऐसा हमारा लाइट में करंट जाता है और लाइट जलने लगता है। तो हम इसमें अगर रिवर्स गियर का हॉर्न लगाना चाहते हैं, टीटी हॉर्न, तो हम उसको कैसे सेट करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, जो रिवर्स गियर का जो आउटपुट पिन, आउटपुट जो वायर होता है वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, और इनपुट होता है येलो कलर का। इनपुट बोले तो ये इग्निशन स्विच का पॉजिटिव, ये होगा येलो कलर का और ये होगा ब्लैक कलर का, ओके, ये वायर होगा ब्लैक कलर का। तो ये ब्लैक कलर से हमें एक टच करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा, ओके, और ये वायर हमको हमें दे देना पड़ेगा ये जो फ्लासर है उसके पिन नंबर बी में, ठीक है, और ई में एक ग्राउंड हम दे देंगे, ओके, यहाँ पे एक ग्राउंड दे देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही वो शख्स बैक गियर लगाएगा तो यहाँ करेंट आएगा तो बैक गियर स्विच काम करेगा, बैक गियर स्विच जैसे ही काम करेगा उधर लाइट जलेगा और इधर इस वायर में भी करंट आ जाएगा। जैसे ये हो गया लाइट के लिए, ओके, और ये हो गया फ्लासर का पॉजिटिव। जैसे ही वो बैक गियर लगाएगा इधर लाइट ऑन होगा और इधर फ्लासर के बी पिन में करंट आएगा, ठीक है। बी पिन में करंट आने से क्या होगा, ई पिन में तो पहले से ग्राउंड है और जैसे ही बी पिन में करंट आएगा ये जो एल लिखा हुआ है, एल फोर मतलब होता है लाइट, ओके, तो हमें लाइट नहीं लगाना है, हमें हॉर्न लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और डायरेक्ट दे देंगे रिवर्स हॉर्न में, ओके, एक हॉर्न कहीं पे हम फिट कर देंगे और उसके एक पिन में हम ये एल जो निकला हुआ है जो पिन एल,
एल से लेकर के यहाँ तक कि एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसके जो ग्राउंड पिन है उसमें ग्राउंड दे देंगे। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन करेगा करेंट रिवर्स, ये देखिए ये रिवर्स का स्विच का कनेक्टर है। ओके, रिवर्स स्विच में करंट आ जाएगा चाबी ऑन करने से, और जैसे ही वो रिवर्स गियर लगाता है तो क्या होगा, यहाँ से ब्लैक कलर का जो वायर है उसमें करंट आएगा और इधर लाइट में चला जाएगा और इधर से वही करंट आ जाएगा इधर फ्लाशर में, और फ्लाशर में जैसे ही करंट आएगा यहाँ पे फ्लाशर में पहले से ग्राउंड होगा और जो एल लिखा हुआ है वहां से पॉजिटिव निकलेगा और हरन में जाएगा, और हरन जो है जैसे लाइट हमारा बिलिंग करता है इंडिकेटर का अप डाउन चलता है वैसे ही ये हरन भी वैसे ही बजेगा, टी 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 करके आवाज करेगा। ओके, देखिए ये हो गया हमारा हरन जो टी टी हरन होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप म्यूजिक वाला जो हरन लगाते हैं वो अगर लगाना चाहें तो उसमें ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सब सिस्टम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो हरन आता है रिवर्स हरन का वो थोड़ा म्यूजिक जैसा बजता है। ठीक है, उसमें क्या करता है कि ये फ्लाशर नहीं लगा के यहाँ से जो जो पॉजिटिव निकल रहा है ब्लैक कलर का वायर से, जो रिवर्स गियर स्विच से निकल रहा है ब्लैक कलर का वायर, उसमें से जो पॉजिटिव निकलेगा वो डायरेक्ट चला जाएगा उसी हरन में। जैसे ये हो गया वो म्यूजिक वाला हरन, ठीक है, इसमें भी दो पिन हो गया, ये हो गया ग्राउंड और ये चला जाएगा डायरेक्ट वो हरन में और वो हरन बजने लगता है। तो ऐसा होता है जो म्यूजिक वाला है, लेकिन हम अगर टी टी हरन लगाते हैं तो ये सिस्टम करना पड़ेगा, एक फ्लाशर देना पड़ेगा, और आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा सकते हैं। अगर ये वायर जैसे यहाँ पे हम एक फ्यूज लगा दिए और ये वायर अगर कहीं से शॉर्ट है तो हमारा फ्यूज कट जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान सिस्टम है रिवर्स गियर हरन के लिए।